الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تفسیر سورہ کوثر کے عنوان پر یہ پانچویں اور آخری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. اس سے پہلے بعض اہم مباحث کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا گیا تھا کہ عطا میں شان موتی کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ موتی کون ہے, عطا کرنے والا کون ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے کوثر عطا کیا ہے, موتی کون ہے. عرض کیا جا چکا ہے موتی رحمان ہے, رحیم ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے, ملک ہے, قدوس ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, جبار ہے. موتی کل کا خالق ہے, استعداد کو دیکھ کے عطا کرتا ہے. فضل کی منزل پر, فضل کی منزل پر کسی بندے کی فضیلت کو اور اس کی شرافت کو جان کر سرفراز کرتا ہے. اس کی عطا غیر منقطع ہے, اس کی عطا کم ہونے والی نہیں ہے, اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ عطا کرتا ہے تو اس کی عطا سے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. اگر کبھی عطا کو روک دیتا ہے تو اس کے روکنے سے اس کے خزانے میں زیادتی نہیں ہوتی. موتی ہے, خالق کل ہے, رب العالمین ہے, ارحم الراحمین ہے, باری ہے, مصور ہے, خالق ہے, تمام اسماء الہی اسی کے لیے ہیں. وہ تمام صفات جو عین ذات بن کر اس کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں وہ ہے معطی, اور عطا کرتا ہے اس کو جو رحمت للعالمین ہے, بشیر ہے, نذیر ہے, شاہد ہے, طٰہٰ ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, اول المسلمین ہے, اول العابدین ہے, فیض رحمانی ہے, اضافہ قیومی ہے, صبح اول ہے, نور اول ہے, صبح اول ہے, نور اول ہے, ماء حیات ہے, سماء رحمت ہے, رحمت واسعہ ہے, احمد ہے, محمد آپ نے دیکھا موتی کی وہ شان ہے, عطا کو لینے والے کا یہ مقام ہے. موتی کی وہ شان ہے, عطا کو لینے والے کا یہ مقام ہے. اب تو مسلمان طے کریں کہ کوثر کے کیا معنی ہوں گے. کوئی پانی کا چشمہ,
कोई छोटी सी जगह, कोई यादगार के तौर पे कोई गिफ्ट, कोई ऐसी चीज के जो काबिल जिक्र न हो, न मोती के शायान शाह है, न जिसको अता किया जा रहा है उसके शायान शाह है। यकीनन रब्बुल आलमीन ने, अरहमुर राहिमीन ने जब रहमतुन लिल आलमीन को कौसर दिया होगा तो उसके माना इतने वसी होंगे, इतने वसी होंगे कि उस माना की वसअत में दुनिया व आखिरत दोनों शामिल हैं। दुनिया व आखिरत दोनों कौसर में शामिल होंगे। खैर दुनिया भी, खैर आखिरत भी, खैर दुनिया भी, खैर आखिरत भी, खैर कसीर भी। कौसर जो चश्मा है, मुमकिन है उसका एक जुज्व हो, एक जुज्व हो, मगर इस मोती ने जो खालिक कुल है, जब अपनी करामत बेनिहायत से फजल को देखा अपने हबीब के, और उसकी शराफत और करामत को बतलाने के लिए एक ऐसी अता से उसको उसने सरफराज किया जो सारी दुनिया में, सारी ईमान की दुनिया में कयामत तक बाकी रहे, तो यकीनन वो अता न महदूद होगी, न कमतर होगी, नाकाबिल जिक्र होगी। यकीनन कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी अहम बात होगी कि जिसको समझने के लिए यकीनन दिक्कत तलब फिक्र की जरूरत है, जिसको जानने के लिए यकीनन एक फहम रसा चाहिए कि कौसर फकत प्यास बुझाने ही के लिए नहीं है, बल्कि कौसर सरापा खैर बनकर, सरापा खैर बनकर हर उसकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है जो खैर का तालिब हो, जो खैर का तालिब हो, ताकि उसकी निगाह कौसर पे रहे, ताकि उसकी निगाह कौसर पे रहे। हबीब हमने तुझको कौसर अता किया, कौसर अता किया, और जब अता कर देते हैं किसी को कोई चीज तो फिर चूंकि वापस नहीं ली जाती, इसलिए हक मालिकाना दिया जाता है, हक मालिकाना दिया जाता है। कौसर को दे के मालिक कौसर बनाया, मालिक कौसर बनाया, साकी नहीं। यहां कुछ दिनों से पाकिस्तान में मुस्लिम अदब अब इस शान से ढल रहा है कि जहां कहीं लफ्ज साकी आएगा कौसर के निस्बत से, तो वो कहेंगे इससे सरकार रिसालत मुराद है। क्यों कतमी मर्तबत के लिए इस नाम को मुसलमान गवारा करते हैं, क्यों कतमी मर्तबत के लिए इस निस्बत को मुसलमान गवारा करते हैं, ये अभी तक हमारे समझ में नहीं आया। वो मालिक कौसर, वो मालिक कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर, खालिक ने अता किया है, अता इनको मिली है, वो मालिक है। हाजा अताना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, हमारी ये अता है, अब किसी को बख्श दे या रोक ले, हिसाब नहीं है। हाजा अताना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, ये हमारी अता है, बख्श दे किसी को या रोक ले, इसका हिसाब नहीं है, इसका हिसाब नहीं है। तो आपने देखा कि जब कौसर अता किया मालिक ने, तो मालिक एक कौसर बना दिया आपने बंदे को। अब मालिक एक कौसर जिसको साकी बना दे, जिसको साकी बना दे। और इस सिलसिले में शुआरा हमारे, खुसूसन उर्दू के शुआरा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं नात में या और दूसरी मदहसराई करते हुए नज्मों में कि साकी ये कौसर जब कहा जाए तो उससे मुराद खत्मी मर्तबत हो, खत्मी मर्तबत हो। मगर तीन दिन से पाकिस्तान भर में हंगामा है यौम इकबाल के सिलसिले में, 28 से मुसलसल जलसे हो रहे हैं, 28 को भी हुआ, फिर जाहिर है उसके बाद के दिन भी हुआ, और उसके असरात बराबर जारी हैं। तो ये फैसला अगर हम इकबाल पे छोड़ दें कि साकी ये कौसर कौन है, आखिर मिल्लत जब इकबाल को मुज्तहिद समझ रही है और इस काबिल समझ रही है कि उसके फतवा पे अमल किया जाए, उसके फिक्र पे चलने की कोशिश की जाए, उसके पैगाम को जब सारी दुनिया में आम किया जा रहा है, तो यह फैसला इकबाल ही पर छोड़ दें कि साकी कौसर कौन है।
और अगर इकबाल फैसला कर दे तो मान लोगे। इकबाल ने बहुत से फैसले तो ऐसे भी हैं कि जिन फैसलों को जबान पर लाते हुए दिल डरता है, मगर चूंकि हालात का तकाजा ये है कि बहरहाल इकबाल पर गुफ्तगू हो, तो लोगों ने उनके मुख्तलिफ अदवार फिक्र पर गुफ्तगू की। वरना सबसे पहली मंजिल तो इकबाल की फिक्र की यहीं से शुरू होती है कि इकबाल वतनियत का कायल नहीं है। वो कहता है वतन का कोई तसव्वुर नहीं है, इकबाल के पास वतन का कोई तसव्वुर नहीं है। और यहां बार बार कहा जा रहा है कि वतन की मोहब्बत में हर शायर दो शेर कह दे। भाई जब इकबाल के पैगाम को आम करना है तो इकबाल के इस पैगाम को भी आम करना है कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मिल्लत का कफन है। वतन के तसव्वुर में इकबाल ये कहते हैं इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मिल्लत का कफन है। और रुमूज खुदी और बेखुदी में तकरीबन 40 शेर मुसलसल कह दिए हैं कि जहां वतन का तसव्वुर आता है वहां इस्लाम महदूद होकर रह जाता है ज्योग्राफी हुदूद में, और हम इस्लाम को ज्योग्राफी हुदूद में महदूद नहीं करते। मगर जाहिर है कि अब हवा का रुख यह है तो उनके पैगाम को अब जिस तरह से जहां से चाहें लेके आम करें और जहां से चाहें छिपा दें, जिस हिस्से को चाहें छिपा दें, जिस हिस्से को चाहें आगे बढ़ा दें, दुनिया का कायदा है। लेकिन मेरी हद तक मुझे चूंकि तकरीर में सियासी उमूर से दिलचस्पी नहीं रहती है, इस बात से मैं तो कौसर की हद तक महदूद हूं कि इकबाल कौसर के मुतालिक क्या फैसला किया है। इकबाल फरमाते हैं याद रखो कि नातवानी और कमजोरी इंसान को तबाह कर देती है। इकबाल कहते हैं खाक गश्तन मजहब परवानगी, मिट्टी बन जाना यह परवाने का मजहब है, जल के खाक हो जाना यह परवाने का मजहब है। खाक गश्तन मजहब परवानगी, खाक का अब शव के इन मर्दानगी मिट्टी के बाप बनो, यह मर्दानगी है। खाक गश्तन मजहब परवानगी, खाक का अब शव के इन मर्दानगी अफवे बेजा सर्दी खूने हयात, गलत मकाम पे अफो कर देना, खूने हयात की सर्दी है। सकतई दर बैत मौजू ने हयात, हयात के मौजू बैत में एक सकता है अगर किसी ने किसी को गलत मकाम पे मुआफ कर दिया। और उसके बाद इकबाल ने बे अख्तियार नाम लिया का मुस्लिम अव्वल शाह मर्दा अली, ईश्वरा सरमाए ईमा अली, अज विलाए दूध मानस जिंदाम, उसी के खानदान की मोहब्बत में जी रहा हूं, दर जहान मिसले गुहर ताबिंदाम, दुनिया में मोती की तरह चमक रहा हूं, शबनमर जमजमर रीजत जता के मन अजूस्ट, अगर मेरे जाम से जमजम उबल रहा है तो वो उसी की मोहब्बत में है। मैं अगर रीजत दे जामे मन अजूज, ये मस्ती ये वज ये उसी की तरफ से है। और इसके बाद उन्होंने ये शेर जेर पाश इंजा शिको है खैबरस्त, जेर पाश इंजा दुनिया में उसके पांव के नीचे शिको है खैबर है, दस्ते ऊ उंजा कसीम कौसरस्त, जेरे पाश इंजा शिको है खैबरस, दस्ते ऊ उंजा कसीम कौसरस, उसका हाथ वहां कौसर का मुकस्सिम है, कौसर को वो तकसीम करता है। तो कम से कम पैगाम के पहुंचाने वाले दियानत से तो काम लें, दियानत से तो काम लें कि इकबाल की ये फिक्र है कि देखो कसीम कौसर वो है, कसीम कौसर वो है। अब हम मोतकदात की हद तक जाहिर है कि इकबाल के पैरों तो नहीं है, हम तो सरकार रिसालत के पैरों हैं, सरकार रिसालत के पैरों हैं। सरकार रिसालत ने कहा आप सबको याद है मगर मैं सिर्फ हाफिजे को ब्रश अप कर रहा हूं, इन्नी तारकुन फी को मुस्तकल आए, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं गरा बहा, इन्नी तारकुन फी को मुस्तकल आए किताब अल्लाह व इन वैतरत,
मा इन तरक्तुम मा इन तमस्सकतुम बेहिमा लन तज़िल्लु बादी। अगर तुमने तमस्सुक किया इन दोनों से कभी गुमराह न होगे हत्ता यरेदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों कौसर पे आएंगे। किताब आएगी कौसर पे, इतरत आएगी कौसर पे, उम्मत का जिक्र नहीं है। पहले किताब फिर इतरत, किताब और इतरत साथ। अब बाद में अगर प्यासी होके आए उम्मत तो ये काम किसका है कि कौसर की तकसीम हो, उस पर अब आप गौर करें। लेकिन हमारा नुक्ता निगाह इस सिलसिले में कुछ और है, इस सिलसिले में कुछ और है। वो ये कि अगर कौसर सिर्फ चश्मे आब नहीं है, खैरे कौसर है तो खैरे दुनिया भी है और खैरे आखिरत भी है। तो कौसर की तकसीम फकत उगबा ही में नहीं है, फकत आखिरत ही में कौसर की तकसीम नहीं है। अगर कौसर से मुराद खैरे दुनिया वो आखिरत है तो उसके माना ये है जो कसीम कौसर आखिरत में है वो कसीम कौसर दुनिया में भी है, दुनिया में भी है। और जब आप खैर को तलब करें तो वही है खैर का अता करने वाला जो तकसीम करे, खैर को तकसीम करे, खैर को तकसीम करे। और फिर वो कैसे तकसीम करेगा? मामू ने रशीद ने हजरत अली इब्न मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु यार क्या इब्न रसूलल्लाह, ये एक अजीब बात है कि बार बार इस उम्र पर जोर दिया जाता है कि आपके जद कासिम जन्नत और नार है, तकसीम करेंगे जन्नत को और दोजख को। शायद मैं इसमें परेशानी की क्या बात, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे उलमा ने इस हदीस को नकल किया है कि हुब्बु अलीन ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्रुन व निफाक, अली की मोहब्बत ईमान है, उससे दुश्मनी कुफ्र है, निफाक है। तो जहां मोहब्बत होगी जन्नत मिलेगी, जहां अदावत होगी जहन्नम मिलेगा। तो उसकी मोहब्बत और उसकी अदावत ने खुद जन्नत और दोज़ख की तकसीम कर दी। तो अगर उसके उसकी मोहब्बत और अगर उसकी अदावत आखिरत में तकसीम कर रही है नेमात अबदी की और अजाब अबदी की, तो दुनिया में कौन सा अमर माने है कि हम उसकी मोहब्बत से नजदीक होकर खैर कसीर को तलब करें और ये कहें कि वहां तकसीम करने वाले यहां भी तकसीम करते चल, यहां भी तकसीम करता जा। तो ये मंजिल बहुत गौर के काबिल है कि ये क्यों कहता हूं। आइए, अमीन मोमिनी ने अपनी तारीफ की है, खुद अपनी तारीफ की और ये कहा है कि इन्नी लमिन कौमिन, मेरा ताल्लुक उस कौम से है, ला ताखुज़हुम फिल्लाह लौमत लाइन, कि जिस कौम को मलामत करने वाले की मलामत डरा नहीं सकती। इन्नी लमिन कौमिन, मेरा ताल्लुक उस कौम से है, कौम से है। आप कौम समझ गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, सूरह मायदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अगर तुम मुर्तद हो जाओ तो अल्लाह एक कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, खुदा उस कौम को दोष रखता होगा, वो कौम खुदा को दोष रखती होगी। फरमाते इन्नी लमिन कौमिन, मेरा ताल्लुक उस कौम से है, वो कौम जिसकी अली एक फर्द हो, वो कौम जिनके अफराद में अली एक फर्द हो। इन्नी लमिन कौमिन ला ताकुज़ुहुम फिल्लाह लौमत लाइम, कलाम हम कलाम उल अबरार उम्मार उल लैल मनार उल नहार, जब वो बातें करते हैं नेकों की बातें करते हैं वो दिन भर नूर के रोशन चराग है। कौम से है वो कौम जिसकी अली एक फर्द हो, वो कौम जिनके अफराद में अली एक फर्द हो। इन्नी लमिन कौमिन ला ताकुज़ुहुम फिल्लाह लौमत लाइम, कलाम हम कलाम उल अबरार उम्मार उल लैल मनार उल नहार, जब वो बातें करते हैं नेकों की बातें करते हैं वो दिन भर नूर के रोशन चराग है और रात भर बंदगी इलाही में वक्त बसर करते हैं।
उमार उल्लैल मनार उन्नहार। इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं ला यालून ला यगुलून, उलू नहीं करते, गुलू नहीं करते, गुरूर नहीं करते। ये आखिरी जुमला सुनिए कि कुलूबहुम फिल जिनान अक्सादहुम फिल अमल। मेरा ताल्लुक उस कौम से कि जिनके दिल पहले से जन्नतों में हैं और उनके जिस्म अमल में मसरूफ हैं, उनके जिस्म अमल में मसरूफ हैं, दिल जन्नतों में है, दिल को सुकून है, जन्नत हासिल है, दिल मुतमाइन है कि हमारे लिए जन्नत है। उस यकीन के बावजूद अमल किए जा रहे हैं, उस यकीन के बावजूद कि हमारे लिए जन्नत है अमल किए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जन्नत और कौसर और ये तकसीम की गुफ्तगू उनके लिए है जो हयात को मुसलसल न समझे, जो हयात को मुसलसल न समझे। अगर हयात मुसलसल है, अगर हयात मुसलसल है तो ये चिफली, ये धड़कपन, ये जवानी, ये ज़ईफ़ी, ये मौत का वक्फा, ये बरज़ख की जिंदगी, ये फिर महशर, ये हश्र, ये नशर, ये हिसाब, ये मीज़ान, ये जन्नत या दोज़ख, हयात मुसलसल, हयात मुसलसल जो यहां किया उसी से पूछा गया। तिफली ने जवानी को मुतासिर किया, जवानी ने ज़ईफ़ी को मुतासिर किया, ज़ईफ़ी के अमल ने महशर के हिसाब को मुतासिर किया। हयात मुसलसल, जिंदगी मुसलसल है। तो इस मुसलसल जिंदगी में अगर वहां कौसर लेना है किसी को तो यहां क्यों कौसर से महरूम रहे, यहां क्यों कौसर से महरूम रहे। अगर खैर है दुनिया व आखिरत का तो खैर आखिरत वहां ले, खैर दुनिया यहां ले, खैर दुनिया यहां ले। और यही वो वजह है, यही वो मकाम है, यही वो मंजिल है कि जहां थोड़ी सी अगर फिक्र मुसलसल हो जाए तो आपको अंदाजा होगा कि इसी खैर के लिए हम जीते हैं, इसी खैर के लिए हम मरते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो हमारी लाश पर खड़े हुए, हमारे जनाजे पर खड़े हुए कोई कहता है अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। परवरदिगार ये जो मर गया सिवा खैर के हमको कोई इल्म नहीं है, उसने नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसने हज किए या नहीं किए, उसने रोजा रखा या नहीं रखा, हमको कुछ नहीं मालूम। ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम सिर्फ खैर को जानते हैं कि इससे खैर सादिर हुआ है। मौत के आलम में मैयत को सिराने रख के नमाज पढ़ाने वाला झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये जानते हुए कि बहुत सी नमाजें खत्म हुई, बहुत से रोजे नहीं रखे, हज नहीं किया, मगर हुक्म यह है कि ये कहो। और फिर जमात को हुक्म है कि सब मिलकर गवाही दो कि परवरदिगार हमको इल्म नहीं है, इसके मुतालिक हम कुछ नहीं जानते, मगर यह कि खैर पर था, मगर यह कि खैर पर था और खैर के साथ था। तो आपने अंदाजा किया कि यह जानने के बाद कि इसने बंदगी में बड़ी कोताही की फिर भी एक जमात का गवाह बन जाना कि खैर पर था, वो खैर क्या है, किस बात की गवाही देने के लिए खड़े हुए हैं आप जनाजे पर। आप यह गवाही दे रहे हैं कि जिस जमात से हमारा ताल्लुक था, जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक था, जो मरकज निकाह हमारा था दुनिया में, जो हमारा मतमह नजर था, वही जमात इसकी थी, वही मुआशरा इसका था, वही मरकज इसका था, वही जिंदगी इसकी थी, जिसको हम दोस्त रखते थे उसको ये भी दोस्त रखता था, इसलिए हम गवाही देते हैं क्योंकि वो दोस्ती खैर है। वो दोस्ती खैर है, वो मोहब्बत खैर है, इसलिए नमाज पढ़ने वाले गवाही देते हैं कि खैर का हमको इल्म है। कहा है खैर ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा,
हमको सिवा खैर के कुछ नहीं मालूम है। नमाज के मुतालिक हम नहीं कहते, रोजे के मुतालिक हम नहीं कहते, हज के मुतालिक हम नहीं कहते। हम गवाही देने के लिए आए हैं कि जिसके दामन से हमारा तमस्सुक था उसी के दामन से इसका भी तमस्सुक था, जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में है उसकी मोहब्बत ही अपने दिल में लिया जा रहा है। इसलिए परवरदिगार ये जिंदगी मुसलसल है, यहाँ भी खैर मिलता रहा है मोहब्बत से, वहां भी खैर मिलता रहेगा मोहब्बत। कल कौसर हाजा आता हो ना फमनुन औ हमसिक बगैर हिसाब, हमने तुझको कौसर दिया, ये आता हमारी है जिसको चाहे दे, ये खैर कसीर है। तो अब मोहब्बत की जो मंजिल पर आए, मोहब्बत की मंजिल पर जो आए, जो इनसे दामन, जो इनके दामन से मुतमस्सिक हो जाए, मुंतजर न रहे इस बात का कि कयामत में कौसर मिलेगा, दुनिया में कौसर है, दुनिया में खैर कसीर है। इस कदर खैर कि हमारे मरने के बाद भी यह ऐलान किया जाएगा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमको सिवा खैर के किसी का इल्म नहीं है। ज़ियारत जामिया इमाम अली नकी सलावतुल्लाह ज़ियारत जामिया आए आले मोहम्मद इन ज़िक्र अल खैर, अगर खैर का जिक्र किया जाए, अंतुम अव्वलहू व असलहू व फरहू व मादनहू व मावाहू व मुंताह, अगर खैर का जिक्र किया जाए ऐ आले मोहम्मद तो आगाज तुम हो, अंजाम तुम हो, उसकी इब्तिदा तुम हो, उसकी इंतहा तुम हो, उसका मब्दा तुम हो, उसका मावा तुम हो, उसका मलजा तुम हो, उसका मस्कन तुम हो, तुम ही खैर हो। आले मोहम्मद ऐन खैर, इसलिए अजीजाने करामी थोड़ी सी देर, मैं ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, मगर मसला कुछ जरा सा अहम था। एक तरफ ये कि दुनिया फकत जिस बहस में उलझी हुई है कि महशर में साकी कौन होगा, दुनिया इतनी महरूम रहना चाहती है कि दुनिया में कौसर नहीं जाती, दुनिया में कौसर नहीं जाती, हमने तुझको कौसर दे दिया हबीब, दुनिया में दिया, आगाज वही पे दिया, 15वां सूरा है सूरह कौसर, इब्तदाई वही, हमने तुझको कौसर दिया, इन्ना आतैना कल कौसर खैर कसीर दिया, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे दे दे, हम पूछेंगे नहीं, ये तेरी बख्शिश है, तेरी अता है, तेरी अता है। हाँ हाँ मकाम तशक्कुर जाहिर है कि तुझसे तवक्को यही है, तुझसे तवक्को यही है कि सजदा और कुर्बानी, फसल्ले रब्बे का बना, बंदगी और कुर्बानी, सजदा और कुर्बानी, सजदा और कुर्बानी, तुझसे तवक्को यही है। इसलिए कि बदवे आदमो आलम से हमारी बारगाह में कुर्बानियां पेश होती रही, वतलो अलैहिम नबाब नहीं आदम बिदहा, बयान करो इनके सामने, पढ़ो इनके सामने आदम के दोनों बेटों का किस्सा जो हक के साथ था, इस कर्रबा कुर्बानन, जबकि दोनों कुर्बानियों को लेकर आए, फतुकब्बिल मिन अहदहिमा व लम युतकब्बल मिन अलआखर, एक से हमने कुर्बानी को कबूल किया और एक से कुर्बानी को कबूल नहीं किया। काला उसने कहा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, लाक्तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसने कहा इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, जहां तकवा है वहां कुर्बानी कबूल है, कत्ल करने की क्या धमकी देता है। तो ये आगाज आदम आलम से है कि जिसकी कुर्बानी को कबूल होता हुआ देखा जाएगा उसको दुनिया कत्ल करेगी, जिसकी कुर्बानी को कबूल होता हुआ देखा जाएगा उसको दुनिया कत्ल करेगी। अच्छा तुम्हारी बातें कबूल, तुम्हारी कुर्बानियां कबूल, सजदा सजदा कुर्बानी से मुसलसल है, सजदा नफ्स की कुर्बानी है, सजदा कमाल उबूदियत में मर्जी इंसान की कुर्बानी है, ख्वाहिश इंसान की कुर्बानी है,
فکر و عقل و شعور انسان کی قربانی ہے بارگاہ رب العزت میں کہ میں اپنی لامحدود اس مرضی کو مالک کی دیکھ رہا ہوں اور اپنی محدود مرضی میں اس کو لیل بن محیط کرنا چاہتا ہوں اپنی محدود مرضی پر, اور اس طرح سے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت اپنے آپ کو فنا کر دے, اس لامحدود مرضی میں اپنی محدود مرضی کو فنا کر دے. یہ مقام ہے قربانی کا, نفس کی قربانی, فکر کی قربانی, شعور کی قربانی, عقل کی قربانی. سجدہ, سجدہ کمال بندگی. قیام, پھر بھی کچھ خیال ہے کہ شاید اب بھی غرور ہے. رکو, پھر بھی ایک فکر ہے کہ شاید اب قیام کی حالت ہو, شاید سجدے میں آئے. سجدہ وہ کہ اب سر جھک گیا, اب پیشانی اسی کے لیے ہے, اب یہ زندگی اسی کے لیے, اب سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. تو نفس کی قربانی اگر قبول ہو جائے تو جہاں سجدے قبول ہوں وہاں حسد پیدا ہوتا جاتا ہے, جہاں حسد پیدا ہوتا جاتا ہے وہاں قتل کی دھمکی دی جاتی ہے کہ قتل کر دیں گے, اور جو قتل ہونا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے قتل کر دو. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے, متقین سے قبول کرتا ہے. کبھی عرض کیا جا چکا ہے, آج پھر سلسلہ کلام میں فکر کا یہ حصہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت سلیمان اپنی پوری حکومت اور سلطنت کے وقار کے ساتھ اپنے تخت پر سوار تھے اور بساط سلیمان کو ہوا اپنے کاندھے پر لیے جا رہی تھی. کسی کسان نے سلیمان کے اس جلال و جبروت کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر, ما اوتی ابن داؤد, داؤد کے بیٹے کو اللہ کتنی چیزیں ملی, کتنی چیزیں ملی, کبریائی کے قابل ہے خدا, ما اوتی ابن داؤد, کیا دے دیا ہے داؤد کے بیٹے کو. حکم ہوا کہ بساط سلیمان رکے. سلیمان آئے کسان کے پاس, کہا تو نے میرے جلال کو دیکھا, میرے حشم کو دیکھا, میرے تخت و تاج کو دیکھا؟ کہا ہاں یا نبی اللہ میں نے دیکھا. کہا ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر لے, وہ ذکر میری اس پوری سلطنت سے زیادہ بہتر. اس کے یا نبی اللہ کیسے کا ذکر کا ثواب باقی ہے, میری سلطنت باقی نہیں ہے, میری سلطنت باقی نہیں ہے, ذکر کا ثواب باقی ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ بندگی کے کسی منزل پر, بندگی کی کسی منزل پر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو, ذرا سی چیز کو نظر انداز نہ کرو. ممکن ہے ایک درود, ممکن ہے ایک تسبیح, ممکن ہے ایک مرتبہ ذکر اگر پسند آ جائے, اگر قبول ہو جائے, تو اس کو قلیل نہ جانو. جو قبول ہو جاتا ہے وہ قلیل نہیں ہے. کیف یقل ما یتقبل, جو قبول ہوتا ہے وہ قلیل نہیں ہے. تو اس لیے اگر مقام فکر میں مختصر سا ذکر بھی ہو اور قبول ہو جائے, اب ممکن ہے آپ اپنا ذکر کریں, اپنے بزرگوں کا ذکر کریں, اپنے گھر والوں کا ذکر کریں, تو یقیناً قبول نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے وہی ذکر کیا جو خدا کو پسند ہے, اور اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ جتنی دیر بیٹھیں گے کہتے رہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلی, کیف یقل ما یتقبل, جو قبول ہو جائے وہ قلیل کیوں ہو. تو اسی طرح سے اگر قبول ہو رہا ہے ایک سجدہ, ایک سجدہ, تو اس کی شان نہ پوچھو, اس کی شان نہ پوچھو. وہ سجدہ مقبول بارگاہ ہو کر حیات کو مسلسل کر دیتا ہے,
हयात को मुसलसल कर देता है कि सर झुकाया है बंदे ने। अजमत हम देंगे, बुजुर्गी हम देंगे, दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। सिलसिला होगा जब तक दुनिया में जिक्र रहेगा उसकी बुजुर्गी मुसल्लम रहेगी, उसकी बुजुर्गी मुसल्लम रहेगी। इसलिए हबीब फसल ले रब्बे का वन हर कुर्बानी दे दो। अब कुर्बानी के बाद तुम्हारा जिक्र दायम है, तुम्हारा जिक्र मुसलसल है, तुम्हारी याद कल्ब मोमिन से मरबूत है। किसी मंजिल पर तुम्हारे जिक्र में कोई ऐसा सानहा, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा दखल नहीं दे सकता कि जहां कोई ये कहे कि ये गैर मुसलसल हो गई फिक्र या गैर मरबूत हो गया ये जिक्र। नहीं, हयात मुसलसल। इसलिए हबीब एक बात याद रखो, जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती वो अबतर है, वो दुमबुरीदा है, वो गैर मुसलसल है, वो गैर मरबूत है। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती है वो साहिब कौसर है। अब ये इख्तितामी जुमले, एक तरफ कौसर है एक तरफ अबतर है, कौसर की जिद अबतर है, अबतर की जिद कौसर है। हमने तुझको कौसर दिया, तेरे दुश्मन को अबतर बनाया। जिसको अत्तर बनाया कौसर नहीं देते, जिसको कौसर देते हैं अत्तर नहीं बनाते। देखिए ये वो सूरा है जो मौजदा है अपने मकाम पर, मौजदा है अपने मकाम पर। मैंने पहली तकरीर में अर्ज किया था कि अल्लाह रे अता की शान के एक मरतबा नाम लिया है कौसर का, तो पूरे कुरान में फिर कौसर का जिक्र नहीं है। पूरे कुरान में सिवाय इस सूरे के लफ्ज़ कौसर नहीं आया। पूरे कुरान में फिर दूसरे मकाम पर आतैना का नहीं आया। पूरे कुरान में दूसरे मकाम पर वनहर नहीं आया। पूरे कुरान पर दूसरे मकाम पर शान आका नहीं आया। दुश्मन के लिए यह लफ्ज पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, और लफ्ज अबतर फिर कुरान में नहीं आया। पांच लफ्ज इस सूरे में इस्तेमाल हुए, तीन आयतों के सूरे में पांच लफ्ज इस्तेमाल हुए जिसको कुरान ने फिर नहीं दोहराया। और उसके बाद यह बतलाया कि हबीब इतना मोहतम विशान सूरा है कि कौसर और अबतर की पहचान है। दो सिलसिलाए फिक्र हैं, एक सिलसिला वो जो मुसलसल हो, मरबूत हो, दुनिया से लेके आखिरत तक, मब्दा से लेके माद तक, आगाज से लेके इंतहा तक, इब्तिदा से लेके अंजाम तक ऐसा मालूम हो कि मुसलसल कोई तरक्की का मनाजिल तय करता हुआ जा रहा है, ये कौसर है। जो हर कदम पे टूटे, जो हर कदम पे गैर मरबूत हो जाए, जहां एक फिक्र दूसरे फिक्र से न मिल सके, जहां एक का फतवा दूसरे के फतवे से टकरा जाए, जहां एक का मसला दूसरे के मसले के जिद पर आ जाए, वहां कौसर नहीं अबतर है। शाने का हुआ अबतर, तेरा दुश्मन अबतर। यह कुरान, यह कुरान है। अगर पैगंबर का कोई दुश्मन नहीं था इस सूरे के नुजूल के वक्त तो आयत बरमहल नहीं है। अगर पैगंबर का कोई दुश्मन नहीं था इस सूरे के नुज़ूल के वक्त तो आयत बेमहल है। और अगर कोई दुश्मन था, कोई दुश्मन था तो ये अजब दुश्मन है कि तारुफ दोस्त का करवाया, पहचनवा के तुझको कौसर दिया, दुश्मन को छुपा दिया, दुश्मन को छुपा दिया, इशारा तक नहीं दिया। उसके माना ये कि ए हबीब, चूंकि तुमको कयामत तक रहना है इसलिए हर दौर में दुश्मन उभरते रहेंगे और हर दौर में दुश्मन अबतर होते रहेंगे। हर दौर में दुश्मन तुम्हारा अबतर रहेगा, सिर्फ उस वक्त नहीं, कोई खास शख्स के लिए नहीं है, कोई खास मकाम, कोई खास मंजिल, कोई खास जोग्राफिया नहीं है। जिसने पैगंबर की दुश्मनी की वो अबतर है, वो अबतर है। ये अबतर, ये कौसर, जिदें हैं। और दरमियान में सजदा कुर्बानी। हबीब बड़ी ताकत है सजदा, जहां अदा हो गया सजदा वहां दुश्मन अबतर हो गया।
جہاں سجدہ ادا ہو گیا دشمن ابتر ہو گیا. اے حبیب اب وہ سجدہ ایک کی طرف سے ہو, پورے گھرانے کی طرف سے ہو, پورے سلسلہ انبیاء کی طرف سے ہو. ایک سجدہ اگر آدم کی طرف سے ہو, نوح کی طرف سے ہو, ابراہیم کی طرف سے ہو, موسیٰ کی طرف سے ہو, عیسیٰ کی طرف سے ہو, محمد رسول اللہ کی طرف سے ہو, اور اگر وہ سجدہ کرنے والا وارث آدم ہو, وارث نوح ہو, وارث ابراہیم ہو, وارث موسیٰ ہو, وارث عیسیٰ ہو, وارث محمد ہو, تو وہ اکیلے حسین کا سجدہ نہیں, انبیاء کا سجدہ. اکیلے حسین کا سجدہ نہیں, اکیلے حسین کا سجدہ نہیں ہے, حق کا سجدہ ہے, صداقت کا سجدہ ہے, عدالت کا سجدہ ہے, دین کا سجدہ ہے, دیانت کا سجدہ ہے, محبت الہی کا سجدہ ہے, ولایت الہی کا سجدہ ہے, رسالت کا سجدہ ہے. اور اس سجدے کے ساتھ قربانی, قربانی سارے معاشرے انبیاء کی طرف سے ہے, سب کی طرف سے نمائندگی ادا کر قطع کر ادا کرتے ہیں, سب کا نمائندہ بنتے ہوئے یہ قربانی دی گئی. اس لیے انبیاء بھی موجود ہوں, اولیاء بھی موجود ہوں, محمد عربی بھی موجود ہوں, کہ سب کی طرف سے سجدہ ہے, سب کی طرف سے قربانی ہے. اگر یہ منزل ہے تو اب دشمن جو ماضی کے تمام انبیاء کے دشمنوں کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ اپنی فکر ابتر کو پیش کر رہا ہے. وہ ابتر ہے. کبھی یہ فکر مسلسل نہ ہو سکے گی, کبھی کسی مقام پر یہ فکر مسلسل نہ ہو سکے گی, اور دنیا جان لے گی کہ دشمن کمزور پڑ گیا, دشمن نام و نشان کو چھوڑ گیا, اس طرح سے کہ جب تک وہ نام و نشان رہے گا لفظ ابتر ساتھ رہے گا, تذکرہ ہوتا رہے گا, مگر اسی طرح سے کہ حق کے مقابل میں, کوثر کے مقابل میں گفتگو ختم ہوئی. ملت مسلمہ واقعی بڑے شوق سے, بڑے شغف سے یہ ذکر سنتی ہے. رسول کا ذکر ہے, رسول کی اولاد کا ذکر ہے, رسول کے خاندان کا ذکر ہے, رسول کی عصرت کا ذکر ہے. ملت کو حق ہے کہ یہ ذکر سنے, مگر ملت کبھی سوچے تو کہ 10ویں محرم کی شام کو کربلا تو ختم ہو گئی, حسین قتل ہو گئے. یعنی جس حسین سے ملوکیت کو خطرہ تھا, جس حسین سے شاہی کو ڈر تھا, وہ حسین تو قتل کر دیے گئے. اب اس کے بعد بھی اگر اس قافلے کو کوئی آگے لے جائے تو ملت کے مفکرین کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں, اور اس مقام سے ایک تھوڑی سی اپیل کرتا ہوں. کبھی کبھی کسی مجلس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, وہ صرف اس لیے کہ آپ میں سوچنے کی عادت پیدا ہو. بڑے بڑے مفکرین نے حسین کا تذکرہ کیا, شاہ حسین, پادشاہ حسین. مولانا روم نے کربلا کا تذکرہ کیا, منچ گویم کربلا را واقعات, اوہ بیرون آمداز اس میں ذات. فرید الدین اتار نے تذکرہ کیا, اقبال نے تذکرہ کیا, سبوں نے تذکرہ کیا. اور تغیلا چون نظمیاں بیرون کشید, ازرگ ارباب باطل خون کشید, نقش اللہ بر صحرا نوشت, اقبال. مگر ایک گلا ہے سب سے, اور قیامت تک رہے گا یہ گلا, اور اگر حیات مستمر ہے اور کہیں نہ کہیں ہوگی ان سے ملاقات, تو میں تو پوچھوں گا, میں تو پوچھوں گا کہ یہ تذکرہ کرنے والوں نے یہ کربلا میں خاموشی کیسے اختیار کی, یا اس کے بعد کے واقعات غلط ہیں. میری فکر کے ساتھ ہیں آپ, یا کربلا 10 محرم کو ختم ہو گئی کہ لکھنے والے, سوچنے والے, بولنے والے, شعر کہنے والے سب چپ ہو گئے اس دن کہ حسین قتل ہو گئے. اور اگر کربلا آگے بڑھ گئی قافلے کو لے کر,
तो ये खामोशी क्यों है? 12 मुहर्रम को कूफे के दरबार में आई है ज़ैनब। किसी ने लिखा, किसी ने हवाला दिया, या मैं गलत कह रहा हूं, या तारीख में नहीं है? क्यों लिखने वाले चुप हैं? क्यों किसी ने इस वाकये को नहीं लिखा? कुछ मैं एक दावा दे रहा हूं, सबों ने हुसैन पे लिखा, हुसैन ऐसे थे, हुसैन ऐसे थे, हुसैन ऐसे थे, हुसैन पे लिखने वालों कुछ और आगे बढ़ो, ज़ैनब ऐसी थी, मोहम्मद की नवासी थी, 12 मुहर्रम को कूफे के दरबार में आई, पहली मर्तबा मोहम्मद की नवासी हाकिम के सामने आई। मिल्लत ने कभी सोचा, मिल्लत ने कभी सोचा किताबे मुआविया और यजीद के लिखने वाले तो ये तो कह सकते हैं कि हुसैन हक पर न थे, हुसैन हक पर न थे तो हुसैन को कत्ल कर दिया गया, ठीक है, कह दिया जाता कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, अब इनके बच्चों को मदीना भेज दो। अब इनके बच्चों को मदीना भेज दो, भेज दिया मदीना। 10वीं मुहर्रम से करबला शुरू हुई, छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए, काहे को देखा है कभी दरबार, और फिर कूफे का दरबार, शाम का नहीं, कूफे का दरबार, वलदुज़्ज़िना का दरबार, खबीस और शरीर इंसान का दरबार, जिसने ये ऐलान किया था कि कूफे के बाजार में जो कोई तमाशा करना चाहे दरबार में आके सैदानियों को देखे। शाम का दरबार आम न था, कूफे का दरबार आम था। इमाम बीमार कहते हैं मेरी फूफी अम्मा कांप रही थी, मेरी फूफी अम्मा कांप रही थी, अरे दरबार, साहेब रियाज कहते हैं अली की बेटी घबरा के एक कोने में जाके बैठ गई, तो कोने में जाके बैठ गई, और तमाशाइयों का यह आलम कि एक दूसरे से पूछे बिनते अली कहां है, मोहम्मद की नवासी कहां है, फातिमा की बेटी कहां है, जिसका जलाल कूफे वाले सुनते थे वो कहां है, और अल्लाह रे इनकलाब, फातिमा की बेटी सर झुकाए एक गोशे में बैठी, छोटे छोटे बच्चे फूफी को लिपटे हुए हैं, क्या ऐसा इस शकी की नजर अभी तक बीमार न पड़ी, और कहा कौन है ये, अली इब्नुल हुसैन। एक मरतबा कहा कि अभी अभी ज़ुहर इब्न क़ैस ने कहा कि अली इब्नुल हुसैन तो कत्ल कर दिए गए, आबिद बीमार ने कहा कि उनका भी नाम अली था, मेरा भी नाम अली, मेरे पदर गिरामी ने यह तय कर लिया था कि जितने लड़के पैदा होंगे उनका नाम अली होगा, जितनी लड़कियां होंगी उनका नाम फातिमा होगा। तो एक मरतबा कहा अच्छा अली, तुमने देख लिया कि खुदा ने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया, और कहा अल्लाह हो यतवफ्फल अनफुस ही न मौतहा, खुदा वंदे आलम मौत के वक्त नफूस को कब्ज कर लेता है। फरमाया इब्ने ज़ियाद काबिज कातिल नहीं है, कातिल और है काबिज और है, यह मंजिल इमामत, काबिज और है कातिल और है, कहा खुदा ने तुमको जलील कर दिया, इरशाद फरमाया अल्लाह ने हमको इज्जत दी, उसने कहा तुम रुस्वा हो गए, इमाम ने कहा हमारे लिए नबूवत और हमारे लिए रिसालत का शरफ काफी है, मुसलसल जो जवाब आ दिए, एक मतलब घबरा केगा कोई है इसको भी कत्ल कर दे। अब ज़ैनब उठी, अब तक तो एक जगह छुपी बैठी थी, अब अली की बेटी उठी और एक मतलब आवाज दी खबरदार छुपी जी रही है, ओ ही
مولایا و ربی خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لا ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرماؤ تعدیل فرماؤ